प्रिय किसान भाइयों नमस्कार। मैं धानंद कुमार जायसवाल, नेशनल सीड सेल्स ऑफिसर मैहर। और आज हम मैहर ही जिले के तहसील अमरपाटन के एक गांव पड़ता है, यहाँ पे ग्राम कंचनपुर में है। और कंचनपुर में हमारे साथ में हैं किसान शिव कुमार पटेल जी, जिन्होंने हमारे नेशनल सीड कंपनी की 6640 धान, जो कि अपने मोटे और वजनदार दाने के लिए प्रचलित है, को इन्होंने लगाया है। और इन्होंने यह धान जो है 90 kg के आसपास इन्होंने लगाया हुआ है। आइए जानते हैं भैया के माध्यम से कि यह धान जो है, यह इसका जर्मिनेशन जो है कैसा आया था। जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइएगा। मेरा नाम शिव कुमार पटेल है जी। हमने 6640 धान लगाया है, नर्सरी में लगाया हुआ है जी। इसका जर्मिनेशन 90% के ऊपर है जी। जी इसका तो अच्छा है, जर्मिनेशन मतलब 90% के ऊपर है, मतलब बहुत बढ़िया है। आपने कितने केजी धान लगाई टोटल? टोटल हमने 90 किलो लगा रखी जी है। जी तो आपने पूरी धान जो है डायरेक्ट सोइंग किए हैं, या मतलब पहले आपने इसको आपने पानी में डाला है, उसको फुलाया कुछ दिन तक, इसके बाद जो है कुछ धान जो है हमने पहले पानी में भिगा के रख के जी अंकुरण बना के बोया हुआ है। जैसे आपको सामने जी जी आपके सामने है जी जी जो नर्सरी तैयार हो चुकी है, जी जी लगाने लायक है। जी जी और कुछ आपके सामने ही है जो जी नर्सरी है, लेकिन अभी छोटी छोटी है, जी जी वो लगाने लायक नहीं है। जी तो जो लगाने लायक हो गई है ये फुला कर भिंगो कर अंकुरण तैयार करके बोवाया था, जी जी और कुछ ऐसे ही बोवा दिया है तो वो अभी लगाने लायक। तो उसका जर्मिनेशन कैसा आया है? उसका जर्मिनेशन भी अच्छा है, अन्य धानों की अपेक्षा बढ़िया है। जी 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 और जैसा भैया ने बताया कि जो है कुछ धान जो है इन्होंने डायरेक्ट सोइंग की है, और कुछ इन्होंने फुलाने के बाद जब उसमें अंकुरण आ गया है, इसके बाद इन्होंने खेत में डाला है। दोनों का लगभग जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो 90+ है, मतलब 90% के ऊपर है, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया जर्मिनेशन आया है। थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से दिखाइएगा, ये जो लगभग ये है पौधा जो है 20 दिन का हो गया है और ट्रांसप्लांटिंग के लिए लगभग पूर्णतः पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। दिखाइएगा थोड़ा वीडियो के माध्यम से। थोड़ा सा ये बताइएगा आप कि ये जो बीज है यह आपको किसके माध्यम से प्राप्त हुआ था? बीज हमको जो है तो राजकुमार मिश्रा जी, जो हमारे बड़े भाई श्री रमेश कुमार पटेल जी के दोस्त हैं, जी जी इनके माध्यम से संदीप एग्रीकल्चर से प्राप्त हुआ है। जी 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 यह जो बीज है आपको संदीप एग्रीकल्चर से प्राप्त हुआ है, अमरपाटन से, है ना जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। धन्यवाद किसान भाइयों।